साथ की बात बता दें और कुछ दादी के द्वारा बताई हुई बात, और वैसे जिन्होंने जीवन कहानी की किताब पढ़ी होगी, बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, उन्होंने पूरा पढ़ा होगा। और उसके भी दो भाग हैं, भाग एक और एक भाग दो। भाग एक पूरा यज्ञ का 14 साल का इतिहास का है, और भाग दो में सेवाओं का है। तो दादी जैसा सुनाती थी कि 12 साल की थी, साल में सुना रहे हैं, और उनको निश्चय लगन, तो अपने यज्ञ में जितने भी समर्पित हुए उनके परिवार से कोई ना कोई रहा जरूर है, अकेला कोई नहीं है। किसी की माँ तो किसी की बहन, तो कोई 6-6 बहनें, जैसे हमारी दादी कमल मणि 6 बहनें शरण जाती हैं, अभी सही स्वर कमल मणि दादी। और 6 बहनों को अगर खड़ा कर देते आप, देखते तो एक सांचे बिल्कुल उनकी लंबाई कोई इतना कम ज्यादा नहीं, एक सांचे। और फेस कट भी लगभग लगभग एक जैसा। अगर आपने एक बार इनको देख लिया, दोबारा दूसरे देखते हो कहते ये वही दादी है, एक बार के देखने तो ना पहचान पाते, छेरियों में कोई अंतर नहीं था। तो ऐसे मना है, कुछ कहने का मतलब है कि हर एक के परिवार से कोई ना कोई होता है। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने कोई मदर को याद किया, मुरली में सुना होगा कि साहूकारों में जैसे कोई मदर देवी, तो देवी तो रतन मोहन दादी की माँ का नाम, कोई मदर बड़ी दीदी के माँ का नाम, अब कोई मनमोहनी दीदी की माँ को मदर, अब जैसे कोई मदर तो मनमोहनी दीदी, तो मनमोहनी दीदी की छोटी बहन शीलिंद्रा, जिनको बाबा बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, मना परिवार के 2-3, 2-3, 4-5 तो यज्ञ में समर्पित हुए। लेकिन गंगे दादी एक सारे यज्ञ के इतिहास में अकेली थी। 4 रिश्ते सगे माने जाते हैं, कहेंगे ये मेरा सगा चाचा है, ये मेरा सगा मामा है, ये मेरी सगी मौसी है, मेरी सगी बुआ है, इसके बाद तो सगा नहीं कहते ना, फिर रिश्ते में। तो 4 सगे रिश्ते का एक भी बंदा यज्ञ में नहीं आया, और ना बाप के घर का कोई आया। अब सोचो जो बिल्कुल अकेला होगा तो उसके ऊपर कितना सितम होगा, कोई किसी का है ही नहीं सपोर्टर, कि वो भी तो है, मौसी भी तो है, दादी भी तो है, नानी भी तो है, कोई है ही नहीं। दादी प्रकाश मणि थी, उनके भी घर से 4-5 लोग थे, दादी उनके बहन की लड़की, सती दादी उनकी सगी बहन, दूसरी सती लखनऊ वाली थी, तो ऐसे दादी भी 3-4 लोग से थे, अकेले तो नहीं थे। तो दादी बिल्कुल अकेली, और आयु भी 12 साल की थी। और भाई जो पिताजी नहीं थे घर में, मना भगवान को प्यारे हो गए थे, और भाई अफ्रीका में बिजनेस करता था, तो जैसे किसी का प्रॉपर्टी लेने वाला बारिश ना हो उसके बहुत बारिश निकल आती, और जिसके घर का कोई बड़ा ना हो उसके घर पे होटल बन जाते। तो जो मासी का लड़का था ना वो थोड़ा तबंग था, और दादी की माँ को काता भड़काता था, ये अभी कहाँ जाएंगी, जिंदगी बहुत बड़ी है, मंडी में नहीं जाना है, मना दुनिया भर की बात। लेकिन दादी की लगन तो बहुत थी, दादी कहती थी जब मैं भागवत पढ़ती थी तो मैं रोती थी, और 12 साल की उम्र में भागवत पूरा कर दिया था पढ़ती। लगन बचपन से संस्कार होते हैं। मैं कहती थी जब श्री कृष्ण थे, गोपियाँ थी, तो हम क्यों नहीं, अभी तो पता नहीं कि हम भी गोपी बन जाएंगे। तो
इसी तरह से वो बहुत जब तंग करने लगा तो जाने नहीं देता, लेकिन लगन तो क्या इनको जादू है, बाबा वहां से ना जादू सीख आया बंगाल से, सब पे जादू कर दिया। बंगाल का जादू बहुत मशहूर था। और एक सुलेमानी शर्मा जिसको लगाओ वही दृष्टि की बदल जाए। बहुत बना तो बुलाना, ये तांत्रिक होते ना झाड़ में फूकने वाले, तो झाड़ फूक कराना, ये पानी पिला देना, ये भगूर खिला देना, सामने बैठ के झाड़ रहे लेकिन लकड़ी वकड़ी अपना पता नहीं क्या क्या, वो तो नाटक करेंगे, पैसा मिलना है। तो दो चार दिन अगर शांत रहे तो कह देखा मेरे मंत्र का असर, तो फिर दादी को सुन सके सामने जाके डांट देती दोस्तों, तुम काय ठगने आते हो, ये है वो जो भी है, तुम्हारे मंत्र का हमारे पर कोई असर। धीरे धीरे और बात बढ़ती गई, ये बात अभी तो माने कि नहीं कि इनको अब क्या करो, जंजीरों से बांध लो। आजकल कोई लगन वाला हो ऐसा, पहले कोई कहते कि चाना नहीं ब्रह्मा को वाई तो पहले बैठ, एक ही शब्द का आती है। तो दो महीना बंधन में रखा, अब वो तांत्रिक तो हार गया झाड़ फूक करके, अब दूसरे भ्रष्ट बुद्धि वाले तो वही बात बताएंगे, जिनको खाने में उनकी बुद्धि भ्रष्ट करो, शोरबा वगैरह मिला के दो, फिर वो चालू हो गया। दादी को पता चलता था, कहती मैं भूखी रहती हूँ, मैं खाती नहीं, ठीक है पता सब टच तो हो ही जाता है, क्या कर रहे हैं क्या करवा रहे हैं, भनक तो सब पड़ी जाती है। तो बड़ी दादी अब तो बाबा के पास जा ही नहीं सकती, बनी है खटिया के पाए से जंजीर से ले जाना टॉयलेट के लिए, खोल के ले जाओ फिर ला के बांध दो, कहीं मिल नहीं सकते। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी बाबा का कभी पत्र कभी कुछ समाचार तो छत छत से चल करके आके चिमनी से इशारा देके पत्र गिरा देती थी, लेकिन वो एक तरफा होता था। गंगे दादी को तो मिल गया पर गंगे दादी पे क्या मित्री को समाचार को मिल ही नहीं रहा। तो दादियों में बहुत प्यार था, बहुत यूनिटी थी, जैसे पहले आरएस के शाखा में आरएसएस वाले ना पहुंचे तो वो घर घर पहुंच जाते थे, चलो साथ जगाते तो ले जाते, तो वो कैसे रह गई, वो कैसे रह गई। तो इस तरह से काफी जोर चलता रहा। फिर मनोहर दादी, तो दादी का नाम तो गंगा था, मनोहर दादी का नाम हरी था। तो जैसे कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नाम दिया ब्रह्मा है, तो 300 बहनों को भी नाम दिया, 350 को अनेक का नाम दिया। तो आत्म इंद्रा नाम तो वतन का नाम है, वैसे गंगा नाम था। और मनोहर दादी का मनोहर इंद्रा वतन का नाम है, उनका नाम था हरि। तो बाबा कहते दोनों हर गंगे की जोड़ी है, ये हर गंगे कहते हैं। तो यदि गंगा नाम है तो बाबा के कहने से गंगे दादी गंगे दादी। तो मनोहर दादी ने सोचा दूसरे तरफ का भी तो पता चले ना, गंगे के ऊपर क्या क्या बीत रही है और वो कैसे दिन काट रही है। तो मनोहर दादी की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था गंगी, उनका हरी उसका गंगी, उसकी शादी हुई और दोनों हम सकल एकदम एक जैसे, उन दोनों को देख के पहचानना मुश्किल। तो उन्होंने क्या किया, मनोहर दादी ने अपनी बड़ी बहन के जेवर कपड़े पहने शादी शुदा वाली पर में हिंदी हिंदी लगा दी। तो आई बोली कि तुम्हारी गंगे का क्या हाल है। तो माँ तो बेचारी रोने लगी, बस कोई असर नहीं मिल गया है, वो है ये किया वो किया, आप क्या कर रही हो, अब ये कर रहे हैं, तो तुम्हारा कुछ फर्क पड़ा नहीं, कुछ नहीं, तुम यदि बांध के रखा है। उन्होंने कहा ऐसा करो मुझे अकेले मिलने दो, मैंने तो हरी को ठीक कर दिया, आप समझ रहे हैं हरी ढूंढ रहे, मैंने तो हरी को सुधार लिया, मुझे मौका दो मैं गंगे को भी ठीक कर दूँ, सही कर दूँ। अब वो सही कर रही है या
और पक्का कर रही है घंटों घंटों। तो भाई ने कहा ये कौन आता है घंटों घंटों बैठता है। बोली वो गर्मी आती है ना इसको ठीक करने के लिए, अपनी बहन को हरी को ठीक कर दिया, ठीक कर लिया था। लेकिन वो देखता रहा कि ठीक कर लिया हो तो बुद्धि टूट जाए, लेकिन ये तो ठीक तो हुई नहीं है, कोई असर तो आया नहीं जो कि क्यों है, उसे शक पड़ गया। बाहर निकली कहा तुम अब सच बता दो तुम हरी हो या दमी हो, मैं तुम्हें डंडा उठाता हूँ तोड़ता हूँ तुम बताओ। अभी बताओगे तुम सच तुम कौन हो। तो मासी के लड़के ने भी कहा बताओ तुम हरी हो या दमी हो, और मैं उठा के डंडा टांग तो बताऊँ अब क्या करेंगी। तो खामोशी का मतलब हाँ कि मैं हरी हूँ, कल से दिखाई न दे। अब वो भी गंगे दादी के रास्ते गए, अब क्या करें, वो भी गए। पर यज्ञ का कोई तो मिला जिसके लिए तपन हो रही है, सबके रास्ते बंद, तो भगवान साथी है। तो कुछ दिन में दो महीने के बाद फिर उनका भाई आ गया, उसने कहा मेरी बहन की क्या हालत है, तो बताया कि ऐसी ऐसी है इसलिए जबरदस्ती का खुद को भी तरह बांध के रखा है, तो बोला मेरे सामने कुछ नहीं करेगी इतनी सीधी, और उसको फिर ऐसे किया कहते ये सीधी नहीं बहुत चलाक। अब चलाकी तो बाबा के लिए है, तो फिर भाई चला गया, कहा नहीं अब जंजीरों में नहीं बांधे और ये कहीं नहीं जाएगा, उसको पूरा विश्वास। अभी जो बाहर दूर रह रहा उसको प्यार हो गई जाता भी। तो एक दिन बहन के साथ कहा कि हमको वहाँ भी चलो, जैसे कहते चलो भाई गुलाटी के हम मिले आते हैं बहुत दिन हो गया चलो। तो बहन जो कलकत्ते में है गोपी अभी तो नहीं सही छोड़ दिया, तो वो नहीं गई। तो पैदल चलते चलते कहा वो ठेले पे पाकिस्तानी खजूर है ना ताजी, ये मेरा खाने का मन कर रहा था, कभी इसने मांगा नहीं आज मांग रही है। तो कहा मैं यहाँ खड़ी हूँ आप जाके ले लें। अब वो बेचारी खजूर ले रही है तो दुखी नहीं वहाँ चला कुछ चक्कर, खजूर लेके आई जहाँ खड़ा किया वहाँ है नहीं, अब उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो जिम्मेदारी से टहलाने ले गई तो कलकत्ते जाए उसके बिना, अब तो उसकी पिटाई की होगी तुम छोड़ देते। तो पहले सिंध में दादी कहती एक अलमारी होती थी लकड़ी की और पीछे जाली होती थी, मतलब उसी में चेप होता था। मैंने कपड़े 7 दिन के लिए भर लेते थे, वो भी 7 दिन में आता था और ले जाता था, धुलाई करके 7 दिन में ले जाता था, 7 दिन का बना। उन्होंने कहा देखो वो ढोड़ेगी तो चप्पा चप्पा ढोड़ेगी कोना कोना, तो अभी तो मेरी हालत खराब करेगी, ऐसा करो मेरे कपड़े निकालो जल्दी जल्दी। और मैं वो पीछे करके घर जाती, पीछे फिर मेरे कपड़े मेरे ऊपर भर दो, पंखा तो अलमारी मैं का कपड़ा तो नहीं ढोड़ेगी। बाद में जब फोन लग गया वो कहीं शोर मचाया घोड़ा चल गया अलमारी में, वो अलमारी पार्टीशन के बाद जो जहाँ है हैदराबाद आंध्रा में जब मैं गई थी तो उन्होंने दिखाया, दादी उनके यहाँ मिलने गई थी, कहा देखो गंगा इसी में छिपी थी अलमारी। मैंने कहा अलमारी मुझे दे दो हम ले जाएंगे, तो लाता कौन है नकल की अलमारी थी, कहा इसी में मैंने छुपाया था। तो उस समय तो वो चली गई सांस आई, फिर आप क्या करें, कहा मुझे बाबा से मिलवा दो, जिसके लिए भागे हैं तो बाबा से मिला दो। बाबा हैदराबाद से कराची जा चुके थे, तो अब ले जाए रास्ते में कोई देखेगा तो दोनों की खैर नहीं, जाने वाले की ले जाने वाले की। और तब इतनी भीड़ भड़क का तो होता नहीं था, इस दुनिया कहीं भी इसकी नज़र पड़े। तो कहा ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी बहू के सारे कपड़े जीवन पहना दो, बहू बना के ले लें कराची, कि ट्रेन में भी कोई ना पहचान पाए कौन वो खोल के, वो छोटी बच्ची बहू बनी है तो घूंघट बने को खोलेगा नहीं करो। जैसे आजकल अगर लड़कियां भाग जाए तो सब झांसी की रानी बन के निकलती हैं मुँह बांध करके, आप
मुंह हाथ नहीं लगा के देख सकते मेरी बेटी है उसके पास में और बैठा या क्या सब झांसी की रानी है इधर ही दिखाई चलती तो कैसे कोई पहचान लेगा ये गंगा को बहू बना के जाए बाबा के पास पहुंची तो मिलन तो आप समझ लो क्या होगा लेकिन बाबा कभी अपने ऊपर इल्जाम नहीं देते घर वालों को टेलीग्राम में तार कर देते यहाँ की बेटी आ गई है यहाँ सुरक्षित है तो अपने आप वहाँ जाएंगे पता चल गया दो दिन तीन दिन में जब भी पहुँचे हैं और तार आ गई क्या आश्रम में बाबा कहते तुम्हारा बंधन टूटा कर्म बंधन तुम्हारा है और जब तक चिट्ठी नहीं बाबा रखते नहीं और बाबा अपने पर दोष देते नहीं तो कुल मिला करके लेके गए अब लेके गए तो मौसी का बेटा तो कुटाई करेगा इमाम दस्ते की मुसली से छाता से सीढ़ी पे बाल पकड़ के कितना बना बहुत खत्म से लेकिन जब हिसाब पूरा हो गया तो लिख के देना पड़ा जाओ तुम्हें रुकेंगी तो नहीं जाओ हो जाओ रंग हो गए सब काम करके तो इस तरह से यकीन रहना शुरू किया बहुत खत्म सहन किया।